हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आटे से बनी पालक की खुरमी। हमें एक कटोरी गेहूं का आटा लेना होगा, 2 चम्मच सूजी, 3 चम्मच फॉर्च्यून का तेल। अब हमें पालक को उबालना होगा, तो हमने पालक को तोड़कर धो के कुकर में रख दिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे काटकर और अदरक डालेंगे थोड़ी सी। देखिए, अदरक और मिर्च हम इसमें डाल लेंगे और पानी डालकर उबलने रख देंगे। अदरक और मिर्च हमने डाल ली है, अब हमें आधी कटोरी पानी डालना है इसमें और बंद करके रख देना है। एक सीटी आने पर हम उतार लेंगे इसे। जब तक हमारी पालक उबल रही है, हम एक बड़े बर्तन में आटा ले लेंगे जो हमने लिया रहा, और सूजी और तेल को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने तेल डालकर इसे मिक्स कर लिया, हमारा मोन लग गया है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे 1/2 चम्मच क्रश करके, और नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और काली मिर्च डाल लेंगे ये भी 1/2 चम्मच, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हमारी पालक उबल गई है। अब हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, अभी न यूज़ करेंगे, बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम पीस लेंगे। चलिए, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम पीसेंगे। देखिए, इस तरह से हमने छन्नी में से निकाल लिया है कि इसका पानी पूरा नीचे निथर जाए। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होके पीसेंगे। देखिए, हमारी ठंडी हो गई, तो हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे अपने आटे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे डाल लिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम अब इसे कड़ा आटा सान लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पालक वाला ही पानी डाल लेंगे, अदरवाइज नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो रहने देंगे। अब हम थोड़ा कड़ा सा आटा सान लेंगे। हमारा आटा सन गया है, थोड़ा कड़ा सा साने हैं हम, और अब हम इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट करने रख देंगे, जब तक हम अपना तेल रख लेंगे गर्म होने के लिए। हमारे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने इस आटे को 20 से 2 भागों में बांट लेंगे और इसकी मोटी मोटी लोई बनाकर इसे बेलेंगे। हमारी लोई देखिए बन गई है, अब हम इसे बेलेंगे। हमारा बेल गया है, देखिए इतना मोटा बेलना है हमें। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए, इस तरह से काटना है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें। हम इस आटे की पपची बना सकते हैं, मठरी भी बना सकते हैं, और खुरमी हम बना रहे हैं, आप कोई भी शेप में बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं इस पालक के आटे की। देखिए, हम इसे दोनों साइड से काट लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है और साइड साइड में निकाल देना है हमें। इस तरह से हम पूरी कटिंग कर ली है। हमने पैन रख दिया है तेल डाल के गर्म होने, अब इसे हम गर्म होने देंगे, और जो हमारा आटा थोड़ा सा बचा रहा अब उसे और बेल लेंगे।
हमने सारी खुरमी अपनी बेल के काट ली हैं, अब हम इसे सिराने चलेंगे। हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें खुरमी डालेंगे। हमारी जितनी आ जाएंगी उतनी डाल लेंगे, बाकी हम दोबारा डाल लेंगे। आराम से डालेंगे। देखिए हमारी हो गई रही, हम इसे अब थोड़ा सा पलटा लेंगे। और इसे 2-5 मिनट और पकने देंगे। हमारी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने निकाल लिए, अब जो हमारी बच रही है उसे भी हम डाल लेंगे और इसे भी पकने देंगे। तो हमारी पालक की खुरमी तैयार हो गई है, कितनी क्रंची लग रही है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए कि हमारे आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।